वीरों के रक्त से रंजित मैं धरती महान हूं, भिन्न भिन्न राज्यों की धारदार तलवार वाली मैं एक मयान हूं, उच्च आदर्शों की संतान हूं, नमन हो मैं हिंदुस्तान हूं। एक वक्त था जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब इस चिड़िया के ऐसे तीतर तोते उड़ गए, चिड़िया का बदन ही बीट बीट रह गई है। आज मैंने अलग अलग राज्यों को यहाँ पर बुलाया, कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स होती हैं, और जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां पर तो शोर होता ही है ना। ये मेरा बड़ा नोटी सा गदरीला सा, तुम खाना खाना बंद करोगी? मैं इस देश की भूखी नंगी जनता से कुछ कहना चाहता हूँ। एक छोटे से कटोरे में हम लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं, ये हमारे देश की बच्ची है, इसे खाने दो, इसे खाने दो। एनीवे, मैं आपको आपको पंजाब से मिला रहा था, ये भी खाते पीते घर का है, आप देख सकते हैं। और इनके बारे में मैं आपको अब क्या बताऊं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, मेरे बारे में भी ये बताएगा? हर बात पे गुस्सा नहीं होते, अभी बाकी और राज्य आएंगे, मिलकर बातचीत करेंगे, कहां है मेरा दूसरा राज्य। मिलिए मेरे सबसे प्रगतिशील राज्य से, गुजरात, जिनको ये वाली भाषा सबसे अच्छे है आती, वो है नंबर वन गुजराती। एनीवे, वेलकम गुजरात। अरे केम छो, मजा माने? अरे अरे पंजाब, तुम ऐसे रूठे रूठे खड़े हो, गुजरात आए, हाय हेलो करो। ओ क्या बताऊं यार, हम पंजाबियों को तो सी फैक्टर ने मारा है यार, आधे सी फॉर कनेडा चले जाते, आधे सी फॉर कमेडी सर्कस में, और हमें तो एग्रीमेंट में फंसाया भी इन गुजरातियों ने यार। कितना अच्छा लगता है बच्चों को आपस में खेलते देखना, बड़ा अच्छा लगता है। तुम लोग बच्चों खेलो, मैं जरा ज्वालामुखी रिलीज करके आता हूँ। मैं क्या गुजरात जी, बड़े सोने लग रहे, कितने जफी पा लो। चिपकने का नहीं, चिपकने का नहीं, चिपकने का नहीं, छोड़ो जी। ओ पंजाब की दो ही तो चीजें चलती है, जफी और पप्पी। अरे हाँ, किसी में दम तो आ जाए, बारी बारी काट देंगे लेकर आ रे, एक बिहारी सब पे भारे। बहुत बढ़िया, लेकिन एक तो बात बताइए, मीटिंग किस बात के लिए बुलाई गई यहाँ पे? अरे सबको बता दीजिए, हमारे यहाँ सब कुशल मंगल है और सब भाईचारा से रहते हैं। हाँ, बहुत भाईचारा है, इसीलिए आपस में सब एक दूसरे का चारा खाते रहते हैं। बोलती रहती है, कार भैया क्या काम धंधा नहीं है क्या? लो धंधे की बात गुजरात से, अरे गुजरात में जितना काम धंधा है ना उतना किधर भी नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गुजरात ने। हाँ तो रोजगार के लिए लोग कौन दिया? बिहार और कौन भे? कैसे बात कर रही है? अरे ससुर के नाती देश में तीसरा नंबर है पॉपुलेशन के मामले में, एक बिहारी सब पे भारी भैया। अच्छा, ढोकला खखरा फफड़ा कुछ लेंगे? लिट्टी चोखा सत्तू खाकरा है बब्बा। What do you mean? I know the English, you tell me the bar. हाँ, क्या है? एक से एक यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ाते हैं, A for अपहरण, B for बंदूक और C for चक। अरे पढ़े लिखे तो हम हैं। क्या बात क्या कर रही है? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई भी मालूम है हमको, तुम्हारा A for पैसा, B for पैसा, C for पैसा, साला पैसा पैसा करते है या पैसे पे काहे मरता भैया? अरे जा 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 जा, अरे साल में सबसे बड़ा त्योहार हम लोग मनाते हैं काई पोछे। छी 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 छी, साल में अट्टू ही बार। हाँ। साला हम तो हर रोज ना आए और रोज का पोछे। साल में एक बार, गंदा लोग। अरे ठीक, और समेन और त्योहार के दिन ना रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं। अरे सुन रहे टप टप रे, हम पतंग तक नहीं उड़ाते, पूरा आदमी उड़ा देते, समझे ना? अक्का कह जा रही है, हमारे का एबीसीडी मत सिखाइए, जी फॉर गन और जी फॉर जर्दा जर्दा कहिए। अरे ये सब छोड़ो, गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गया? अरे क्या नहीं है हमारे पास, पावर पैसा सोरा दौलत, तेरे पास क्या है? माँ, बिहार का हर घर में 10-10 बच्चों की एक माँ है साला। एक बिहारी सब पे भारी चढ़ जाएंगे भैया, बोल दे रहा है। अरे जा जा जा, अरे हमारा वो गरबा, क्या गरबा खेलते हम लोग, हलो हलो बापू। अरे कौन सी गरबा की बात कर रही हैं आप? अरे हमारी लुगाई, हमारी बीबी वाइफ, वो गरबा में एक्सपर्ट है। क्या बात करते हैं? हाँ, हर दूसरे दिन गरबा से हो जाती है।
अरे हमारे गुजराती लोग तो अमेरिका तक फैल गए हैं। हर मोटेल का मालिक पटेल और गुजराती खाना तो इतना फेमस हो गया ना कि अर्चना बहन थेपला खाए बिना तो ओबामा भी व्हाइट हाउस से नहीं निकलता है। बोलो। तो सही बने और नहीं तो क्या। अरे क्या नहीं है हमारे पास। और इतने टैलेंटेड लोग, तुम्हारा प्रोड्यूसर विपुल वो भी गुजराती है। टैलेंटेड बोलो, चालाक के बारे में बात मत करो। अरे यार ये तो हमारा गुजरात का मेन टैलेंट है चालाकी। लेकिन वो छोड़ो ना, हिमेश रेशमिया, संजय लीला भंसाली, बड़े बड़े लोग यार। संजय लीला भंसाली, एक बात बताइए भैया, ये मोदी जी तो है ये गुजरात से बीमारी भगाने का मूड में है, और ये भंसाली जी सारा का सारा बीमारी उठा के फिल्मों में ले आते ने बनाए का खामोशी ब्लैक गुजारिश का हो का रहा है उनको। सारा बीमार आदमी पे पिक्चर बनाते हैं। 5 मिनट से वहां खड़ा हूँ, आई नो, मुझे लाइनें नहीं देते, फिर कहते हैं पंजाब गालियां निकालता है तेरी। कंट्रोल। लेकिन एक बात तो पक्की है, मेहमान नवाजी में तो गुजरात का कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार रोज टीवी पे आके आपको बोलता है कुछ दिन तो गुजारो हमारा गुजरात में। अच्छा, उनको भाई साहब को बोलिए आधा दिन बिहार में गुजार लेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे, अम्मा कसम खाई देना हमें। बुलाइए उनको एक बार। आई लव अमिताभ बच्चन जी। एक मिनट, फोन आया मेरा पड़ोसी राजस्थान। हेलो राजस्थान, क्या गर्मी। अरे यार एक तो राज्यों में राजस्थान और कॉमेडी सर्कस में कृष्णा, दोनों बहुत गर्म रहते 24 तास। अरे बाबा मेरे को जाने का, उसको मदद करने का, चलो आओ जाओ पश्चिम वाली गुजरात जाओ, कोई टेंशन नहीं। तुम कहा इतना बकर बकर करते रहते हो, टेंशन मत लिया करो, घर बार कैसे चल रहा है, गेहूं वेहूं सब अच्छा है। अरे पंजाबियों ने फूड इंडस्ट्री छोड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत दिया। हाँ। धर्मपाजी किसने दिए, पंजाब ने। बात है। यशराज जी किसने दिए, पंजाब ने। कॉमेडी सर्कस को अर्चना पूरन सिंह किसने दी। वो राजीव ठाकुर भी तो है, क्या कह रहे थे। तो गलती इंसान से ही होती है। हाँ। वो ही गलती सुधारने के लिए पंजाब ने सुपर टैलेंटेड राजीव मेहरा भी तो भेजा है। अरे जरा बाप पकड़ पकड़ टकर टकर किए, जरा अभी हम लेकर आते अपने गैया करते तो हर मैया रुकता जा साला। अभी बताया। और मैं क्या दिली जी, हम तुम तो गवांडी गवांडी है। और जरा गले लग जाओ, बड़े सोने लग रहे हो। क्या हुआ, बड़े थके थके हो। अरे क्या करूं, मेट्रो का लोड इतना बढ़ गया है और ऊपर से इतने सारे फ्लाई ओवर। इतने सेक्सी फ्लाई ओवर, जी करता है एक बार लॉन्ग ड्राइव कर ही लूं। बेटा दिल्ली हूँ दिल्ली, टोल भरते भरते ना तेरा टोल नक्का थक जाएगा। आया बड़ा कसा वंटा है। कसा मुंबई बजारे, जय महाराष्ट्र। छोटे दिल वाले मुंबई को देख सबकी, यहाँ पे मराठी गुजराती पंजाबी बंगाली खान पठान हर कोई बसता है, और अर्चना चंकी पांडे भी है भाई। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। हाँ तो मुंबई हिंदुस्तान की जान है वंटा है क्या। अरे सुबह से लेकर शाम 24 घंटे चलती कि नहीं वंटा है, यहाँ पे सुबह को खुदाई और रात में मस्ती बाबा, मस्ती है बाबा। अरे मैं इंडिया की कैपिटल हूँ, कैपिटल। अरे तो अपन तो मुंबई है ना, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, और क्या। आई सी नहीं, सी भी मेरे ही पास है, वर्ली सी फेस, फेस टू फेस बैठती क्या। अरे जा जा। अरे मेरे पास मेट्रो है। हाँ तो अपन पास भी मेट्रो। खंबे लगे बन जाएंगे। हाँ पर काय का मेट्रो, तेरे पास मेट्रो, हमारे पास रेट्रो। लता जी है, आशा जी, अमिताभ है। अच्छा मेरे पास इंडिया गेट है। हाँ जहाँ पड़ती प्रदर्शनकारियों को बेत है, मालूम है। चलो मारते हैं यार। अरे बहुत है हमारे पास गेटवे ऑफ इंडिया, बोल। हाँ ठीक है ठीक है। तो मेरे पास खुद मीनार और लाल किला। हाँ हमारे पास मुन्नी और शिला। आई लव शिला, शिला की जवानी। अरे शिला तो मेरे पास भी है, लेकिन तेरी वाली बेटर है। वही तो। कोई नहीं, टेक केयर, बिकॉज आई एम हियर। हमारे पास तो मिनिस्ट्री भी है। हाँ लेकिन बस कानून नहीं है, है ना। क्या बनता है, क्या बोलती रे भाई। 21 दिसंबर को बोलते हैं दुनिया खत्म होने को है, अरे 16 दिसंबर को मानवता खत्म कर डाली इनने यार, क्या बोलता है भाई। नहीं यार नहीं वंटा, मैं तो बस इतना बोलता हूँ भाई कि तू दिल्ली की शान और शौकत में जो भी बोल ऐसे मुंह लटकाती ना तो समझ में आता है दिल्ली भी शर्मिंदा रही है।
अरे बोलना इसे, क्या बोलता है? क्यों दिल दुखा रहा है दिल्ली का? और दिल्ली ने ना जाने क्या क्या देखा, अंग्रेजों से लेकर मुगल साम्राज्य तक, आजादी की लड़ाई से आज तक, और तू उसका दिल दुखा रहा है? किसकी दिल्ली, कैसी दिल्ली? दिल्ली ने यहाँ पे सबको अपनाया, पर अफसोस कोई दिल्ली को अपना ना सका। मैंने यहां सबको प्रेम दिया, सम्मान दिया, और मेरे बच्चों ने ही मेरा अपमान किया। नहीं नहीं, मैं मानती हूं कि दिल्ली में गुनाह होते हैं, लेकिन आज मैं सबसे पूछना चाहती हूं, क्या उस गुनाहों की गुनहगार सिर्फ दिल्ली है या पूरा हिंदुस्तान? तमाम बातों जज्बातों विदाउट पंचेस फुल सटायर स्क्रिप्ट सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज सभी राज्यों के जबरदस्त प्यार को देखते हुए हिंदुस्तान एक था, एक है और एक ही रहेगा। क्या बनता है? बस आजा खाने वाली भाई, आजा आजा।